दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर चल रहे जो है 19 दिन से धरने पर आज जो है राकेश टिकैत जी यहां पहुंचे हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आज यहां धरने पर पहुंचे हैं। आज यहां पर एक जो है विशाल धरना दिया जा रहा है, जिसमें जो है राकेश टिकैत जी जो है आज एक नई रणनीति बनाएंगे। बात करते हैं राकेश टिकैत जी से कि आज जो यहां धरना चल रहा है, 19 दिन से धरना चल रहा है, ये तो लंबा चला गया धरना भगवानपुर से। और यहाँ पे पंचायत में प्रस्ताव हो गए, कहीं ये रहेगा कि कट यहाँ पर बनेगा, ये पंचायत का प्रस्ताव है। जो धरना यहाँ चल रहा है वो कट या मुआवजे किस चीज को लेकर पूरा? मुआवजा है, कट है, एक समान मुआवजा है, तो ये सारे क्या मुआवजा चाहते हैं किसान? अरे किसान तो बाजार भाव से भी कम है, क्या इस रेट में जमीने हैं? क्या टीकरी गांव में गांव की जमीन का रेट लगा शहरी? टीकरी शहर है कोई भाई? टीकरी अगर शहर है तो सारे प्रोफेसर एस डी एम यहाँ पर है, मतलब टीकरी का तो मुआवजा। ये सारा सवाल है, बैठे सरकार से बातचीत। जो सब 19 दिन से लगातार धरना चल रहा है, कोई अधिकारी या कोई बड़ा एनएच का कोई ऐसा नहीं आया, क्या क्या किसानों की उदासीनता की जा रही है? कुछ नहीं, अभी जरूरत है देश के विकास का रास्ता खेत खलियान और देहात से होकर गुजरता है। ये कोर्ट है जहाँ जमीन पर बैठे हैं। मैं याद में कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये मिट्टी डालने आओगे वो सब आ जाएंगे। अक्सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है किसानों की ताकत देखना चाहती? कुछ नहीं देखने की जरूरत, ढूंढता हूं हिंदुस्तान की संसद के पास, हमें पता है उनको कब बुलवाना, बस एक चौधरी कब आएंगे, वे यहीं आएंगे, ये वहां नहीं जाएंगे, उनको यहीं आना पड़ेगा। तो सब 13 महीने भी जो है पहले धरना रहा है, इसमें आगामी क्या होगा? 2024 की फिल्म भी आपको बनानी है। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, ये तो केवल एक टेरर सरकार बेईमान भ्रष्ट राजनीति भी जानता है और बेलगाम हो रही है, धोखेबाज है, आंदोलन की जरूरत है। जो धर्म जाति के नाम पे किसान यूनियन का क्या रोल रहेगा इस धरने? किसान यूनियन तो अगवानी करेगी इसकी, पुलवामा में हमला करवा दिया, ट्रैक्टर किसान यूनियन ही तो है, किसान है सर। अब का बहुत जगह आंदोलन होंगे, नए क्षेत्र डेवलप होंगे आंदोलन के, पूरे देश में लोग तैयार बैठे हैं। टाइम आएगा कब कहां और कैसे समय वाने वाला टाइम बताएगा, लेकिन आंदोलन जरूर होगा। सब आम चीज देखने को होता है कि किसानों को किसी भी चीज के लिए धरना या प्रदर्शन ही करना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जमीन इसीलिए तो जाएगी भाई, जमीन को फसलों के दाम ना दो, किसान जमीन से नफरत करे, उद्योगपति खेती करे, या शेरों की सेना है भाई। गन्ना किसानों की क्या गलती है, इनके दो दो साल में गन्ने का भुगतान होता है, आपके बीच में है, जिस गन्ने में हमने लागत आज से एक साल पहले लगाई, दो साल पहले वो गन्ना हमने डाल दिया फैक्ट्री पे, उसका आज तक भुगतान नहीं है। एक साल गन्ने की बुआई, एक साल बाद में भुगतान, दो साल में पैसा का रिटर्न आएगा तो किसान तो बर्बाद होगा। किसान की जमीन को लूटना चाहते हैं, आंदोलन गन्ने पे भी। जो सब सरकार वैसे तो जो है 75वां जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और किसान धरना दे रहा है, तो क्या है ये आजादी? तो सब ने दिया है, कम से कम ये आजादी तिरंगा इन्होंने अपने हाथ में तो थाप लिया। हम तो धन्यवाद दें कि किसान आंदोलन से जब ये दिल्ली में आंदोलन चला, किसानों ने देश की जनता ने तिरंगा थामा, तो इन्होंने भी 15 साल से तिरंगा थाम लिया, तो तिरंगा थामते ही नहीं थे ये, तो तिरंगे से नफरत करते थे, कभी तिरंगा नहीं फहराया। ये तो भगवान तिरंगे की बात करो, 13 से 15 का जो है इन्होंने घर हर घर तिरंगे का जो है एक अभियान चलाया और किसानों ने भी एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ तो तिरंगा यात्रा कम से कम ये हमारी उस लाइन पर चल तो पड़े, तिरंगा सबका है, निकलना चाहिए, बढ़िया तरीके से मनाएंगे तिरंगा। ये हम भी अपने ट्रैक्टर पर चलेगा,
धारा 57 में हमारे 15 अगस्त को शहीद हुए थे ट्रैक्टर के साथ तिरंगे लगता चला गया। तो क्या फिर दोबारा से 15 अगस्त को रैली निकालने का मन है? रैली निकाल लेंगे भाई, जिसको तिरंगा लगाओ अपने झंडे पर तिरंगा लगाओ, तिरंगे बहुत आ रहे हैं। अब तिरंगा कहाँ से शुरुआत करेंगे? अब अपने गाँव से, अब अपने गाँव में घुमाओ तिरंगे लगाओ अपने ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर पर लगेगा तो किसान का होगा। महारानी लक्ष्मीबाई सरकार घरों पे कह रही है आप ट्रैक्टरों पे, ट्रैक्टर पे भी लगा के घर पे भी लगा, लेकिन तीन ये किसान के, लेकिन हम ट्रैक्टर पर लगा के चलाएंगे। तो मान लिया जाए कि दोबारा से जो है किसान तिरंगा यात्रा निकाल, तिरंगा यात्रा तो हमारी बहुत तिरंगा यात्रा आज संगठित होने की प्रेरणा, आंदोलन यहाँ चल रहा है इसके बारे में कोई निर्णय लिया गया है? तो हिंदुस्तान ये तो चलेगा, भी लंबा चलेगा, शाम हो जाएगी ये अगर उनकी वीरता जब यहाँ पे मिट्टी डालने आएंगे, इस आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी। जीना मरना तो लगा रहता है, अभी तो ये इसकी रिहर्सल है, अभी आंदोलन कहाँ हो गया, दिशा देकर मरते हैं, अभी तो रिहर्सल है, शुरुआत है, अभी शुरुआत है, इससे रिहर्सल हो रही है, भूमिका बनाई जा रही है। देखिए राकेश टिकैत जी का कहना है कि जो अभी आंदोलन चल रहा है वो इसकी तो शुरुआत है, अभी जिस दिन से जो है एनएच का यहाँ काम शुरू होगा उस दिन से असली जो है आंदोलन की शुरुआत होगी। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बागपत।